इस एनिमे को तभी देखना अगर तुम एच्ची जॉनरा को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। द कैफे टेरेस एंड इट्स गॉडसेस, ये एनिमे तुमको एच्ची रोमांस के साथ साथ कॉमेडी भी ऑफर करता है। इस एनिमे का रिलीज प्रीवियस ईयर स्प्रिंग सीजन में हुआ था, जिसमें 12 एपिसोड है और इसका सेकंड सीजन भी आ चुका है। तो स्टोरी स्टार्ट होता है हायातो के ग्रैंडमा के डेथ के बाद, जब ये टोक्यो से वापस लौटा होता है अपने ग्रैंडमा के कैफे को सेल करने के लिए, और तभी कुछ इसके साथ अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि उस कैफे में 5 लड़कियां दिखती है इसको जो वहां पे स्टे कर रही होती है। जब उन पांचों को ये बात पता चलता है कि तो इस कैफे को सेल करने आया, तो वो अपने अपने तरीकों से ट्राई करती है कि हयातो का माइंड चेंज कर सके ताकि वो कैफे को सेल ना करे। और आखिरकार कैफे को सेल करने का फैसला हयातो चेंज ही कर देता है क्योंकि उसकी बहुत सी मेमोरी जुड़ी थी इस कैफे से, और फिर ये डिसाइड करता है इस कैफे को खुद रन करेगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और सारी लड़कियों में फीलिंग्स आ जाती है हयातो के लिए। और फीलिंग्स से ज्यादा कि भाई मेरा भी फीलिंग्स हर्ट हो जाता है जब वीडियो को देखने के बाद भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। के अलावा कर भी क्या सकता हूँ, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बात करें इसके एनिमेशन की, तो क्वालिटी में कोई कमी नहीं है और इसका कैरेक्टर डिजाइन तो टॉप नॉच है। कैरेक्टर डिजाइन की बात करी है तो सारे कैरेक्टर्स भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है हयातो कासुकुबे, और यही फेमिलिया कैफे का ओनर है और सारी लड़कियों का पहला प्यार। और सेकंड कैरेक्टर है ओका, जो फैशन डिजाइनर स्टूडेंट है और वेट्रेस का काम करती है इसी कैफे में। और थर्ड कैरेक्टर है अकाने, जो एक अच्छी गिटारिस्ट और वोकलिस्ट है और साथ में वेट्रेस का काम करती है हयातो के कैफे में। और फोर्थ कैरेक्टर है रिहो, और ये भी वेट्रेस है लेकिन पास में चाइल्ड एक्ट्रेस भी रह चुकी है। और फिफ्थ कैरेक्टर है शिरागिकु, जो एक अच्छी शेप है और ये भी वेट्रेस का काम करती है। और लास्ट कैरेक्टर है आमी, ये कराटे ब्लैक बेल्ट है और स्पोर्ट्स में काफी अच्छी है और वेट्रेस तो है ही। इस एनिमे का सबसे अच्छा पार्ट मुझे ग्रैंडमा और हयातो का कन्वर्सेशन लगता है, जो इस कैरेक्टर को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। और एक बार इन कैरेक्टर को समझ जाओ तो एनिमे देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जहां तक मेरा ओपिनियन है, इस एनिमे को देखना तो वर्थ इट है। भाई मैंने तो इस एनिमे को काफी एंजॉय किया था जब मैंने देखा था। मैं भी हो सकता है कुछ लोगों को ये एनिमे अच्छा ना लगे क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी चॉइसेस हैं। ये मेरा टेक था इस एनिमे पे। बाकी इसके सेकंड सीजन में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है अभी। और लास्ट बार फिर से मैं अलर्ट कर देना चाहता हूँ कि ये एनिमे अच्छी जॉनर का है, तो सावधानी से देखो इस एनिमे को। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक और कमेंट करके सपोर्ट दिखा सकते हो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज कर लो। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।